नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। हैदराबाद के एक कॉलेज में बुर्का पहनी हुई छात्राओं को एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दी गई। छात्राओं ने बताया कि वे केवी रंगा रेड्डी डिग्री कॉलेज में उर्दू मीडियम का एग्जाम देने गई थी, लेकिन बुर्का पहनने की वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज स्टाफ ने उन्हें कहा कि दूसरे कॉलेज में बुर्का पहनने की इजाज़त हो सकती है, पर इस कॉलेज में नहीं। छात्राओं ने कहा कि उन्हें एग्जाम देने के लिए आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। बुर्का हटाने के बाद ही उन्हें एंट्री मिली। जिन छात्राओं को बुर्का हटाना पड़ा, उनके पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चों को बुर्के की वजह से टारगेट किया गया। एक शख्स ने कहा कि कॉलेज मैनेजमेंट ने पेरेंट्स की रिक्वेस्ट भी नहीं सुनी, बल्कि बेहद बदतमीज स्टाफ को एंट्री गेट पर तैनात कर दिया। इसके बाद पेरेंट्स ने जाकर राज्य के गृह मंत्री से शिकायत की। इस घटना को लेकर तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद ने कहा कि किसी हेडमास्टर या प्रिंसिपल ने ऐसा किया होगा, लेकिन हमारी पॉलिसी सेक्युलर है। लोग जो चाहे वो पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप यूरोपीय परिधान पहनेंगे तो ये सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। औरतें खास तौर से कम कपड़े पहनने से परेशानी होती है, ज़्यादा कपड़े पहनने से लोगों को सुकून रहता है। ये कहीं भी नहीं लिखा कि बुर्का नहीं पहना जा सकता। हम इस घटना पर एक्शन लेंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी।